पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से अपनी खोई प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए भाजपा फिल्मी दुनिया के किसी नामी चेहरे का सहारा लेने पर विचार कर रही है। 2017 के उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार स्वर्ण सलारिया को पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखर से करारी हार झेलनी पड़ी थी। उपचुनाव भाजपा के सांसद विनोद खन्ना की मौत के बाद हुआ था। भाजपा की ओर से इस पर विनोद खन्ना की विधवा कविता खन्ना या उनके बेटे अक्षय खन्ना के नाम पर विचार किया जा रहा है। फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का गुरदासपुर के जनमानस पर गहरा असर है। विनोद खन्ना चार बार 1998, 1999, 2004 और 2014 में गुरदासपुर से चुनाव जीते थे। 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विनोद खन्ना को संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया था। 2003 में विनोद खन्ना को विदेश राज्य मंत्री बना दिया गया था। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में विनोद खन्ना ने भारत पाक सीमा पर स्थित गुरदासपुर के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मंजूर करवाए थे। भाजपा को उम्मीद है कि विनोद खन्ना के परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारकर सहानुभूति वोट प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन भाजपा कविता खन्ना या अक्षय खन्ना में चुनाव नहीं कर पा रही है। विनोद खन्ना ने 1971 में अपनी बचपन की दोस्त गीतांजलि से शादी की थी। गीतांजलि से विनोद खन्ना के दो पुत्र अक्षय और राहुल हैं। 1980 में विनोद खन्ना ओशो के संपर्क में आए और सन्यासी बन अमेरिका चले गए। अमेरिका प्रवास के दौरान भी विनोद खन्ना गीतांजलि से संपर्क में रहे, लेकिन गीतांजलि लगातार विनोद खन्ना को वापस आने के लिए दबाव मनाती रही। विनोद खन्ना के वापस आने पर राजी न होने पर 1985 में गीतांजलि ने तलाक ले लिया था। 1990 में अमेरिका से वापस आने के बाद विनोद खन्ना ने एक उद्योगपति की बेटी कविता से दूसरी शादी कर ली थी। विदेश में LLB की डिग्री लेने के बाद कविता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुकी है। कविता से विनोद खन्ना की दो बेटियां साक्षी और श्रद्धा है। कविता खन्ना अपने पति के राजनीतिक जीवन में भी भागीदार रही है। 3 साल तक वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही। 2002 में वाजपेयी सरकार के समय कविता खन्ना केंद्र सरकार की रोजगार बढ़ाने की एक परियोजना पर भी काम कर चुकी है। 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना की मौत के बाद कविता खन्ना ने टिकट पर दावा भी किया था, लेकिन भाजपा ने उपचुनाव में मुंबई के उद्यमी स्वर्ण सलारिया पर दाव खेलना उचित समझा। सलारिया का अनुभव भाजपा के लिए अच्छा नहीं रहा। परिणाम स्वरूप भाजपा विनोद खन्ना की राजनीतिक विरासत के असली हकदार का फैसला करने की कवायद में लगी हुई है। 2017 के उपचुनाव में कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने गुरदासपुर से करीब 2 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। कांग्रेस की ओर से सुनील जाखड़ को दोबारा मैदान में उतारने की घोषणा की जा चुकी है। जाखड़ की राह का एकमात्र रोड़ा प्रताप सिंह बाजवा बने हुए हैं। बाजवा पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य हैं। उद्योगपति प्रताप सिंह बाजवा 2009 में विनोद खन्ना को हराकर गुरदासपुर से संसद में पहुंचे थे। बाजवा गुरदासपुर से अपनी पत्नी चरणजीत कौर को कांग्रेस का टिकट दिलाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुरदासपुर से पीटर मसीह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर चुकी है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले पीटर मसीह जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। पीटर मसीह समस्याओं से भरे हुए गुरदासपुर क्षेत्र के मतदाताओं से बाहरी उम्मीदवारों से किनारा करने की अपील कर रहे हैं। गुरदासपुर लोकसभा सीट में पठानकोट, दीनानगर, कादियां, बटाला, फतेहगढ़ चूड़ियां, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, सुजानपुर और भुआ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अंतिम चरण में मतदान होने के कारण पार्टियां अपना चुनावी गणित बिठाने में पूरा समय ले रही हैं। भाजपा द्वारा अपने पत्ते अप्रैल के पहले सप्ताह में खोले जाने की उम्मीद है। उसके बाद ही गुरदासपुर लोकसभा सीट की चुनावी दिशा और दशा तय की जा सकेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।